अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने कल वीडियो को लास्ट किया था, कल मैंने मायके के घर की कुछ क्लिप्स दिखाई थी आपको, तो मैंने वहाँ पे वीडियो लास्ट की थी। तो उसके बाद ये हो रहा था दोपहर के 2 बजे का टाइम और ये लंच में बन रही थी कीमे की कचौरियाँ और ये मेरी सिस्टर कचौरियाँ बना रही थी। और उसके बाद में हमने साथ में बैठ के सभी ने लंच किया और थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद मैं मार्केट के लिए चली गई थी, मेरी सिस्टर, मैं, मेरे हस्बैंड, हम तीनों। और वहाँ जाकर मैं बिल्कुल वीडियो बनाना भूल ही गई और बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गई। और लास्ट में मुझे याद आया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था कचौरी का, नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती जैसे मेरी सिस्टर बनाती है कीमे की कचौरियाँ, उसकी रेसिपी। बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये हम आने लगे थे मार्केट में, हमें लग गया था टाइम तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया था। तो हम ये वापस से आने लगे थे गाज़ियाबाद के लिए और वापस आने में भी हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था और इसलिए अंधेरा भी हो गया था। मेरे बेटे का कल एग्ज़ाम था मॉर्निंग में, तो अभी मुझे उसको प्रिपरेशन भी कराना था, उसको रिवीजन भी कराना था। और वहाँ पर मेरे मायके में मेरे हस्बैंड को भी सब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसलिए उनका बहुत ही ज़्यादा मन लगता है वहाँ पर। तो हम ये गाज़ियाबाद में एंट्री कर चुके हैं। और ये हम घर आ ही गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है कल, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करा रही थी। मैं देख रही थी कि उसको पहले से कितना लर्न किया हुआ है उसने, तो वही सब मैं उसकी तैयारियां करा रही थी एग्ज़ाम की। और मैंने पहले से भी उसे बहुत सारे रिवीजन करा के रखा था, तो वही सब मैं देख रही थी कि उसको कितना याद है, भूल चुका है। तो और आजकल इतना नोटी हो गए हैं बच्चे के, पढ़ने के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पहले की तरह, तो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है इतना जितना कि फ़ोन में और गेम्स में और अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट पढ़ाई के टाइम इंटरेस्ट कम हो जाता है इनका, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है इनको बैठाकर पढ़ाना। और फ़ोन में इनका इंटरेस्ट भी लॉकडाउन के टाइम से कुछ ज़्यादा हो गया है, तो क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन होता था इनका, तो ज़्यादा टाइम फ़ोन इन्हीं के पास होता था। तो अभी बहुत मुश्किल है उस हैबिट को बदलना और इस हैबिट को कम करने के लिए इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है इतना फ़ोन देखना, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ये आइज़ के लिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को आइज़ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, और इसलिए कोशिश करें कि बच्चों का फ़ोन कम करवाएं और कोशिश करें प्यार से समझाएं उनको कि उनकी ये हैबिट चेंज हो सके, ख़त्म तो एकदम से नहीं हो सकती है, कम ज़रूर कर सकते हैं।
एक मेरी आप ही हैं बड़ी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे सजेशन दिए हैं, टिप्स दिए हैं काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन की हैबिट को कम कराने के लिए। कर रही हूँ बट थोड़ा टाइम लगता है यार, एकदम नहीं हो पाता है। अब इतना टाइम बच्चों के पास फ़ोन रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे वो फ़ोन को कम कराने की। पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे तो इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़्यादा होता था, फोकस रहता था पढ़ाई पर, और फिर पेरेंट्स के पास घर में फ़ोन रहता ही है एंड्रॉयड, तो बच्चों को इसीलिए इंटरेस्ट कम हो गया है पढ़ाई से, फ़ोन वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। फर्स्ट लॉकडाउन में भी बच्चे प्रमोट ही हुए थे, उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो एग्ज़ाम फिर ऑनलाइन भी होते हैं तो फिर बच्चों को वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो बच्चों को भी ये रहता है कि घर पर से एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा तो मम्मा पापा हेल्प करा देंगे, तो ये है कि स्कूल में जो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। और अब इसको मैंने रिवीजन करा दिया है कल के लिए, और अब इसका टाइम हो गया है दूध पीने का, बॉर्नविटा, ये चाय नहीं है, ये दूध इसको दिया है इसके डैडी ने बॉर्नविटा के साथ। और ये क्रॉकरी जो मैंने आपसे बताया था कि मैं मार्केट के लिए चली गई थी तो मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने ये वहाँ से क्रॉकरी खरीदी थी, और मुझे क्रॉकरी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आप प्लीज़ कमेंट में ये ना कहें कि मैं बहुत ज़्यादा क्रॉकरी खरीदती हूँ। अभी मैं ये के ब्लॉग्स वगैरह बनाने लगी हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बाय करनी ही थी, जैसे डिशेस वगैरह, कोई मुझे स्नैक्स वगैरह कोई डिश आपके साथ मैं शेयर करती हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ अच्छे अच्छे डिशेस जो इस टाइप की सर्व करने के लिए मुझे चाहिए थी वो मुझे ख़रीदनी थी, तो वहाँ पर मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गई तो मैंने वहीं से ये बाय कर ली। तो एक वो थी रिंकल वाली प्लेट्स थी जो कि रेक्टेंगल शेप में थी ब्लैक वाली, और एक ये थी सेकंड वाली प्लेट भी रिंकल वाली है, पीच कलर है उसका, और ये थर्ड वाली प्लेट ये भी स्क्वायर शेप में है, और ये थर्ड वाली प्लेट में चटनी के लिए भी या सॉस के लिए आप यहाँ सर्व कर सकते हो, उसके लिए सेक्शन बना हुआ है, और एक ये ओवल शेप में थी और इसमें भी एक सेक्शन चटनी के लिए बना हुआ है, कोई भी डिश आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। और एक यहाँ पर मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं करा इस चीज़ का, ये इसमें एक स्पॉट था, बट कोई नहीं, हल्का सा है इतना, कोई डिश हम अगर सर्व करेंगे तो नहीं विजिबल होगा। और ये दो छोटे छोटे सी मैंने प्लेट्स ली थी और बहुत ही प्यारा इनका प्रिंट था, ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी ये प्लेट्स थी, और ये सिर्फ टू पीस थे और इसमें थी नहीं, वरना अगर और होती तो मैं प्लेट का सेट बना लेती। और एक ये छोटू वाली मुझे ये अच्छी लगी थी, ग्रीन कलर की प्लेट, उसके बाद मैंने ये कुछ मग्स लिए थे क्योंकि हम डेली उसमें मग्स का ही यूज़ करती हूँ मैं, तो मैं मग्स लाई थी वहाँ से, बहुत ही लाइट वेट थे और इनका प्रिंट भी बहुत ही प्यारा था, ये देखें कितना क्यूट सा था, और साइज़ भी एकदम परफेक्ट था, ना ही ज़्यादा ये बड़े थे और ना ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ था। ये वाले कप्स मैं थ्री पीस लाई थी, ये इनके तीन कप्स लिए थे मैंने, ये सेम जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे,
तो मैंने इन्हें एक साइड पर रख दिया है। नेक्स्ट में ये प्लेट्स लेकर आई थी, ये प्लेट्स कोरमे वगैरह के लिए या चिकन मटन या कोई भी डिश जो शोरबे वाली रेसिपी रहती हैं उसके लिए या ड्राई सब्जी के लिए बहुत ही अच्छी हैं और काफ़ी प्यारा इनका प्रिंट था। और ये वाइट थी प्लेट्स, तो ये वाली मैंने प्लेट्स ली थी, बट ये मुझे 6 पीसेस नहीं मिले प्लेट्स में, 5 पीसेस थे। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा बट एक पीस उन्हें नहीं मिला था जिनकी शॉप थी, तो फिर मैंने ये 5 पीसेस ही ले लिए क्योंकि मुझे इनका प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और इनका शेप और साइज़ बहुत ही प्यारा था और परफेक्ट था एकदम। और ये मैंने लिए थे 3 प्लेट्स बड़े वाले, क्योंकि राइस प्लेट्स भी होते हैं। और इसमें बिरयानी वगैरह या राइस वगैरह, राइस से रिलेटेड कोई भी रेसिपी, कोई भी डिश, और ये सेम थे दोनों, ये इसी में की छोटू वाली प्लेट्स थी और ये इसी के राइस वाले प्लेट्स हैं बड़े। और हो सकता है इंशाल्लाह अगर मैं शायद अगली बार जाऊं तो मैं इसके साथ के एक ट्रे भी थी तो मैं इसके साथ के लिए 2 डिश भी खरीद के लाऊंगी, तो ये पूरा सेट बन जाएगा मेरा। और जो मैं नॉन स्टिक पैंस लेकर आई थी उसके लिए मैं एक ये कढ़ाई भी लेकर आई हूँ विद लिड। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।